आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आपने मैडम शब्द का उपयोग किया होगा। अपने बहन को देख के मैडम बोल दिया होगा, अपनी सिस्टर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने किसी को भी मैडम तो आपने बोला होगा। मैडम शब्द तो हमारे लिए आम है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैडम शब्द का अर्थ होता है वैश्या, या वैश्याओं का जो लीडर होता है उसे मैडम कहा जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैडम तो आदर सम्मान में दिया गया शब्द है किसी को आदर करने के लिए, जैसे कि हम टीचर को अपना मैडम कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई सबसे पहली बात, मैं भी सुन के इसको मेरे को अजीब लगा था, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे राजीव दीक्षित जी ने कहा है, आप सुन सकते हैं उनके बातों से। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है यूरोप में? अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परिस्त्रीगमन होगा वहां वैश्यावृत्ति होने वाली है कि नहीं? परिस्त्रीगमन, पर पुरुष गमन, वैश्यावृत्ति चरम पर होगी। तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं, ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप किसी को मैडम कहने वाले हो? क्योंकि मैं तो अब कहना बंद कर चुका हूँ भाई।